ऐसा क्या हुआ कि लोहिया ने लोकसभा में इंदिरा गांधी को चमेली कह दिया? कौन था वो जिसने लोहिया का सिर काट कर लाने पर 10,000 का इनाम रख दिया था? लाहौर की जेल में बंद लोहिया को अंग्रेज अधिकारी ने भगत सिंह के बारे में क्या कहकर धमकाया? और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोहिया ने ऐसी क्या बात कही कि मुसलमान रैली छोड़कर चले गए? सबका जवाब देंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब और उससे जुड़े कुछ सिखावन भरे और आनंद भरे किस्से। आज की किताब है नेशनल बुक ट्रस्ट से आई लोहिया की जीवनी, राम मनोहर लोहिया, जिसका संपादन किया है गुंजेश्वरी प्रसाद ने। लोहिया एक केंद्र जिस पर आधार रखकर खींचे जा सकते हैं कितने ही वृत्त। लोहिया जो जेल से निकलते ही कहते हैं, अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। लोहिया जो कहते हैं स्त्रियों को सीता नहीं द्रौपदी को अपना आदर्श बनाना चाहिए। आज लोहिया से जुड़े ऐसे ही शानदार किस्से माचेंगे। आज़ादी की लड़ाई में लोहिया का योगदान अतुलनीय है। उनके साथ बड़ी बेरहमी से क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया था। ये 1940 के दशक की बात है। देश की स्थिति बड़ी भयावह थी, सारा हिंदुस्तान बिल्कुल शांत था, मगर लोहिया हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने तय किया कि सुभाष चंद्र बोस से मिला जाए, जो आज़ाद हिंद फौज के साथ इम्फाल आ चुके थे। लोहिया को इम्फाल जाना था, मगर वे ये संभव नहीं था क्योंकि चारों ओर फौज और पुलिस खड़ी थी। लोहिया पहले से ही फरार थे। उन्हें सूचना मिली कि पुलिस को पता चल गया है कि लोहिया कलकत्ता में है। ऐसे में उनके लिए कलकत्ता में रहना मुनासिब नहीं था। उन्होंने तरकीब लगाई, कपड़े बदले और फेल्ट हैट लगाकर अंग्रेज बन गए। चेहरे पर कुछ दाग लगा लिए और बेखौफ पुलिस के सामने से निकल गए। स्टेशन पर जाकर कलकत्ता से बंबई के टिकट लेकर रिजर्वेशन कराया। जानकारी आखिर कलकत्ता पुलिस को लग गई, मगर लोहिया बंबई पहुंच चुके थे। सो बंबई पुलिस को सूचित कर दिया गया कि लोहिया बंबई में है। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसकी चिंता लोहिया को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार को खूब थी। जिस बिल्डिंग में लोहिया रुके हुए थे, पुलिस ने उसे घेर लिया। लोहिया की तलाश हो रही थी और आखिरकार लोहिया पुलिस के हाथ लग गए। डॉक्टर लोहिया बंबई में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें बंबई जेल में रखने के बजाय लाहौर किले की जेल में ले जाया गया। वो जेल यातना देने के लिए कुख्यात थी। उधर एक और बड़े समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण को भी लाहौर में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें भी लाहौर किले की जेल में रखा गया था। दोनों दोस्त, दोनों क्रांतिकारी यातना भोगने के लिए एक ही जेल में थे, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं। गुंजेश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि उन दोनों को भीषण यातनाएं दी गईं। दुर्गंध से भरे बदबूदार अंधेरे कमरों में इन क्रांतिकारियों को रखा गया। रहने वाला ये जान नहीं पाता था कि रात है या दिन। किसी आदमी की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। ये लोहिया और जयप्रकाश ही थे जो भीषण यातनाएं सहते हुए बार बार बेहोश होते रहे और पुरजोर यातनाओं का अंतहीन सिलसिला जारी रहा। जो अफसर भगत सिंह को यातना देने के लिए नियुक्त थे, वो ही लोहिया को यातना देने के लिए भी नियुक्त हुए थे। एक दिन उसने लोहिया को आकर धमकाया। भगत सिंह ने भी भेद बता दिया था। इसके बाद लोहिया को खुरदरे फर्श पर घसीटा गया। तेज बुखार रहने लगा, लेकिन दवा कुछ नहीं मिली। उल्टा उन्हें तहखाने की बड़ी कोठरी में ले जाया गया। आज़ादी के आंदोलन के दिनों की भी एक और कहानी हमें मिलती है। साल 1946 दुर्घटनाओं का वर्ष साबित हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का सांप्रदायिक नारा दिया था। पूरे भारत में, खासतौर पर बंगाल, पंजाब और बिहार में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, एक दूजे का खून बहा रहे थे। उस समय लोहिया बंगाल और असम के दौरे पर थे। वो चट्टग्राम पहुंचे और वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक की और शाम को 5 बजे उन्हें रेल मजदूरों की एक सभा में भाषण करना था। लोहिया भी माइक पर पहुंचे ही थे कि अल्लाह अकबर के नारों से आकाश गूंजने लगा। पत्थरबाजी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग ने लोहिया का सिर ले आने वाले को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना लोहिया उस दौर में लगातार राष्ट्र निर्माण में अपने हिस्से का काम पूरा कर रहे थे। 46 के उत्तरार्ध तक आते आते गांधी जी ने अनशन का सहारा लिया। लोहिया ने सोचा कि गांधी जी अपना अनशन तभी तोड़ेंगे जब उनके सामने हथियार डलवा दिया जाए। लोहिया हिंदुओं के बीच गए, मुसलमानों की घनी बस्तियों में गए। चारों तरफ लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। वो एक अजीब स्थिति थी। अंत में लोहिया एक गुट से हथियार लेने में सफल हो गए। स्टेन गन, हैंड ग्रेनेड और तलवार आदि लेकर लोहिया ने गांधी के सामने लोगों को पेश कर दिया। तब कहीं जाकर गांधी ने अपना अनशन तोड़ा। अब एक मीटिंग का किस्सा। एक बार की बात है जब सरदार पटेल महात्मा गांधी से मिलकर लौट रहे थे। बाहर उन्हें मिल गए लोहिया। औपचारिक नमस्ते के बाद वो लोहिया से बोले, क्यों, हमें हटाने की इरादा है क्या? तो
कब हटाओगे? लोहिया ने कुछ अचरज कुछ उत्सुकता के साथ पटेल को देखा और फिर हंसकर बोले, हटाना तो ज़रूर चाहते हैं पर इतनी ताकत नहीं है, और जो भी ताकत है उसका फिलहाल इसलिए इस्तेमाल करना है कि दूसरे लोग आपको ना हटा दें। एक और किस्सा हमें मिला उनकी बेबाकी का। तीसरा आम चुनाव था, डॉक्टर लोहिया फर्रुखाबाद लोकसभा से उम्मीदवार थे। उनके नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद की आंधी बह रही थी। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहा, अगर केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो वो पर्सनल लॉ खत्म करके समान कानून लागू करेंगे। इससे मुसलमान उनसे चिढ़े और रैली छोड़कर जाने लगे। ये सब देखकर सभा में मौजूद नेताओं को चिंता हुई। लोग भागकर उनके पास गए और बोले, ये बयान आपने चुनाव के वक्त ना दिया होता तो मुस्लिम नाराज नहीं होते। लोहिया ने सबको सुना और फिर बोले, चुनाव में सच नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा, बाद में कहकर देश को धोखा दूंगा, मैंने किसी के हार जीत का ठेका नहीं ले रखा है। अब आखिर में वो किस्सा जब डॉक्टर लोहिया ने लोकसभा में इंदिरा को चमेली का फूल कह दिया था। ये बात है मार्च 1967 की। लोकसभा भरी हुई थी और श्वेतलाना प्रकरण पर बहस जारी थी। श्वेतलाना दरअसल सोवियत रूस के तानाशाह जेबी स्टालिन की बेटी थी। उसने भारतीय नागरिक ब्रजेश सिंह से शादी की थी। उनके दो बच्चे भी थे। ब्रजेश सिंह इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में कभी विदेश मंत्री, विदेश व्यापार मंत्री रहे। दिनेश सिंह के परिवार के सदस्य थे। स्टालिन की मौत के बाद निकिता क्रुश्चेव के शासनकाल में उसकी कब्र खुदवाई गई और कब्र से शव को निकालकर उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया। निकिता के शासन में स्टालिन को एक निर्दयी और जालिम शासक बताकर उसे अपमानित किया गया। श्वेतलाना अपने पिता की ऐसी दुर्गति बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसे में ब्रजेश सिंह की भी मॉस्को में मृत्यु हो गई। इन सब के बीच उन्हें अपने ससुराल हिंदुस्तान की याद आई, लेकिन श्वेतलाना को भारत की नागरिकता नहीं दी गई थी। इसके लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए। लोकसभा में आशंका व्यक्त की गई कि श्वेतलाना को भारत की नागरिकता देने से रूस की सरकार नाराज हो जाएगी। बात लोहिया तक पहुंची और उन्हें लगा कि इससे तो भारत की मर्यादा पर आँच आ रही है। इससे पहले लोहिया और श्वेतलाना की 3 बार मुलाकात भी हो चुकी थी। लोकसभा में श्वेतलाना के पक्ष में बोले कि श्वेतलाना ना सिर्फ स्टालिन की लड़की हैं, ये ब्रजेश की पत्नी भी हैं, भारतीय भी है शरीर की परिभाषा से भी और मन और चित्त की परिभाषा से भी। वो बोले, मैं उसकी तुलना एक फूल चंपा से कर सकता हूँ। मैंने श्वेतलाना को अभी चंपा कहा। प्रधानमंत्री जो अभी यहाँ है नहीं, उन्हें मैं विरले किस्म की चमेली कहना चाहूँगा। वो गद्दी पर बैठी हुई हैं। एक चमेली गद्दी पर बैठी हो तो चंपा हमारे देश में शरण ना पाए, वीज़ा ना पाकर वो दर दर घूमती रहे, ये अच्छी बात नहीं है। पूरी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि श्वेतलाना उसके बाद अमेरिका में रहने लगी। तो ये थे राम मनोहर लोहिया के किस्से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। किताबी बातें लिखते हैं हमारे साथी दीपक। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।